बीएसपी ने गुरुवार की सुबह लोकसभा चुनाव के लिए अपने दो और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीएसपी ने इस लिस्ट में कुशीनगर और देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट के सामने आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा। बीते कई दिनों से उनके बीएसपी के साथ जाने और कुशीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं थी। दरअसल कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गुरुवार को जब बीएसपी ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो इन अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि इससे पहले मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया था कि वो कुशीनगर सीट से 9 मई को नामांकन करेंगे।